पार्टी का महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, बैनर की हुई लॉन्चिंग। जयपुर से होगा आगाज, 28 सीटों पर लड़ेंगे 2023 में चुनाव। एमडी रोड स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाना वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव व राजस्थान प्रभारी डॉक्टर रविशंकर त्रिपाठी व प्रदेश अध्यक्ष वकार अहमद ने पार्टी के द्वारा 15 से 31 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले राष्ट्र अभियान के बारे में बताया। कहा कि आगामी 2023 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सभी 28 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और उसका जल्दी ऐलान किया जाएगा। इस मौके पर सभी पदाधिकारियों ने अभियान का बैनर भी लॉन्च किया। या आम आदमी पार्टी, ये दोनों आरएसएस के बच्चे भाजपा सत्ता में लाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। और हम पहले कह चुके हैं, हम जातिगत बात नहीं करना चाहते, न धर्म पर बात करना चाहते। हम भले हमारे लीडर मुस्लिम हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छे हिंदू भी हैं, हर वर्ग के लोग हमारे पार्टी में हैं। हम जात और धर्म की बातें नहीं करना चाहते, इसलिए MIM और इनकी बात छोड़ दीजिए, बसपा की बात छोड़ दीजिए। सपा भी लड़ेगी, यहाँ लड़ती है, बसपा भी लड़ती है, राजस्थान में 2-4 सीटें जीतती है। मैं इनकी बातें नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो एक अलग राजनीति करना चाहता हूँ, मैं एक अलग तरह की राजनीति करना चाहता हूँ, मैं देश के गरीबों की राजनीति करना चाहता हूँ। उनके भी ये जो हमारा अभियान चल रहा है, ये 30-31 तक हम गरीब बस्तियों में जाएंगे, हम उनको बताएंगे, हम इस अभियान को चलाएंगे। और 31 के बाद हमारे यहाँ प्रदेश में फिर बड़ी सभाएं भी होंगी, जयपुर में भी होगी, कोटा में भी होगी, जोधपुर में भी होगी, उसका व्यवस्था किया जा रहा, बड़ी सभाएं, बड़े मंच लगाएंगे। त्रिपाठी साहब, आप कह रहे हैं कि ये आरएसएस की है जिसकी विंग है, आम आदमी पार्टी जब से आई है जमीनी सतह के ऊपर सारे मुद्दे उठा करके आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रोटेस्ट को लेकर के कर रही है जी, लेकिन WPI ने अभी तक कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट लार्ज स्केल पर नहीं कर पाई है। क्यों नहीं कर पाई है, जबकि आम आदमी पार्टी अपना प्रोटेस्ट में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में आए दिन उनके साथ में कांग्रेस वाले भी जुड़ रहे हैं, अदर BJP वाले भी जुड़ रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं। तो आप इसको किस नज़रिए से देखें? अब मैं बता दूँ आपसे, अन्ना जी ने जब धरना प्रदर्शन किया RSS के इशारे में, आप सब पत्रकार लोग जानते हैं, विदेशी फंडिंग हुई, फंडिंग लेकर के आप वाले अलग हो गए, केजरीवाल आज भी विदेशी फंडिंग हो रही, जो चार जोन हिसाब नहीं अभी तक दे पा रहे हैं, न सरकार पूछ रही है। आप गुजरात में भी देख रहे हैं कि RSS बैकग्राउंड से मोदी का समर्थन नहीं कर रहा, आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहा है। बिल्कुल बानों के बारे में सब पार्टियां बोली, एक BJP नहीं बोला और दूसरा कौन नहीं बोला, केजरीवाल नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो BJP से खतरनाक हिंदूवादी पार्टी है, वो सिर्फ मुसलमान का उपयोग करता है, कहता मैं सेकुलर हूं, लेकिन अगर किसी मुसलमान पर तो मुंह से भी नहीं बोलता है। हम उस टाइप में विदेशों से फंड लेके नहीं चलाना चाहते, हम अमीरों का विरोध कर रहे हैं, अमीरों से फंड नहीं लेना चाहते। हम कभी आपके दरवाजे पर भी आएंगे, 5 रुपया चंदा मांगने, उसी से पोस्टर चलाऊंगा अपना। हम तो आपकी बात कर रहा हूँ, गरीबों की बात कर रहा हूँ, हमारे पास अमीरों का मैं विरोध कर रहा हूँ, अमीर हमारे साथ नहीं है, मैं खुल के विरोध कर रहा हूँ। अगर अमीर आएंगे तो नहीं, हमको नहीं जरूरत है, हम 25 साल तक लड़ते रहेंगे, हम जीते या ना जीते हम एक टीम बनाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, अपने अधिकार के प्रति जागरूक होइए, हमारी जीत पर सबसे जीत तो वहीं जाकर, आप जागरूक हो जाइए, मैं जीत गया, हम सत्ता के लिए नहीं लड़ना चाहते। बताओ आपको, जयपुर, कोटा, टोंक, सीकर, जोधपुर और बारा सवाई माधोपुर, ये ज़िले हैं जहाँ पर हमारी इकाइयाँ मौजूद हैं। और हम अभी जो फोकस कर रहे हैं वो, जैसे आपने बताया कि 28 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, कोशिश करेंगे, तो उन कॉन्स्टिट्यूंसीज पर जहाँ हम इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर पूरा हमारा फोकस है और हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो कंटेस्ट की सोच रहे हैं वो कंटेस्ट करें। तो बड़ा पार्टी जैसे कांग्रेस, BJP, लाखों रुपया खर्च, करोड़ों रुपया खर्च,
क्या आप भी इसी के फेवर में रहेंगे कि लाखों करोड़ों रुपया खर्च, जबकि आपकी पार्टी इतने सक्षम नहीं है फाइनेंशियली, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बताए कुछ? देखिए, ये नीतियों पर निर्भर करता है। नीति यह है कि हम पैसा खूब खर्च करेंगे और फिर चुनाव के इलेक्शन कंटेस्ट करें। अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पर बहुत कम खर्चे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिश की है। यही हमारी नीति होगी कि इसको हम आगे बढ़ाएं, कम खर्चे में, कम से कम खर्चे में हम जो है इलेक्शन कंटेस्ट करें। इसकी एक बड़ी मिसाल मैं दूंगा। कोटा में हमारा पार्षद सिर्फ 28,000 रुपये उसने खर्च किए थे और आज वो पार्षद है। इसी तरह हमारी नीति होगी कि जैसे कि चुनावों में जो खर्चे किए जाते हैं, हमारी एक नीति ये भी है कि ये खर्चे ना हो। ये बहुत बड़ा जुल्म और अत्याचार है हमारी इस देश की जनता पर, तो हम खर्चे कम करके, कम से कम करके जो है चुनाव में आना चाहेंगे। अगर साहब अभी आपने, मुझे अभी स्टेट प्रेसिडेंट बने हुए 1 साल हुआ है और उसके बाद से आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ चीज़ें पार्टी लेवल पर बढ़ रही है। लेकिन मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता थी वो ये कि संगठन पार्टी का मजबूत, और इसी पर मैं बराबर काम कर रहा हूँ। और इस पर आप एकदम देखेंगे कि पार्टी उभर करके आई है, कार्यकर्ता एकदम एक्टिवेट हो चुके हैं और अपने पूरी वो जोश और खरोश के साथ काम कर रहे हैं। तो मैंने जो ये डिस्ट्रिक्ट आपको बताई, यहाँ पर अंदर अंदर हमारा काम चल रहा है। अंदर अंदर का मतलब कोई हिडन वर्क नहीं है, छुपा हुआ कार्य नहीं, लेकिन ये कि हम संगठन को सबसे पहले मजबूत करना चाहते हैं ताकि हमारे कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ आगे जो 2023 के लास्ट में जो राजस्थान का चुनाव है उसमें उतरे मैदान में और वो पूरा सहयोग दें। वकार साहब, एक चैलेंज और रहेगा आप लोगों के साथ। AIMIM भी अपने प्रेजेंटेशन यहाँ करेगी, SDPI भी और आम आदमी पार्टी भी अपनी तैयारी में लगी, तो ऐसे चैलेंज को आप किस तरीके से? हाँ, आप देना चाह रहे हैं जवाब, आप नहीं दे पाएंगे, मैं इसको दे रहा हूँ।